नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं स्वाति। खबर इंदौर से है, जहां बारहवीं की एक स्टूडेंट ने गुरुद्वारे की छत से छलांग लगा दी। ऊंचाई से गिरने पर छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। बताया जा रहा है कि लड़की का लिखा 4 लाइन का लेटर भी पुलिस ने बरामद किया है। हालांकि इसमें क्या लिखा है ये अभी सामने नहीं आया है। इधर लड़की के परिजनों ने कूदने की बात से इनकार किया है। परिजनों का कहना है कि बच्ची का पैर फिसलने से हादसा हुआ है। पुलिस खुदकुशी की कोशिश और पैर फिसलने से हादसा, इन दोनों ही बिंदुओं पर जांच में जुट गई है। पुलिस को छात्रा का बैग और आई कार्ड भी मिला है। पुलिस के मुताबिक घटना दोपहर करीब 1:30 बजे के लगभग की है। घटना इंदौर के राजवाड़ा के पास गुरुद्वारे की है, जहां तीसरी मंजिल से छात्रा नीचे कूद पड़ी। वह गुरुद्वारे के पीछे वाली गली में बिजली के तारों से टकरा कर नीचे गिरी। ये घटना वहां लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। नाबालिग छात्रा जब नीचे गिरी तो वहां मौजूद दुकानदार और लोगों ने उसे उठाया, एम्बुलेंस बुलवा कर उसे MY अस्पताल भिजवाया। यहां से उसे पहले निजी मेडिकेयर अस्पताल ले जाया गया, फिर चोइथराम अस्पताल भेज दिया गया। छात्रा की हालत गंभीर बनी हुई है, अभी वह ICU में भर्ती है। गुरुद्वारे की छत पर गुरु साहब जी का निशान लगा हुआ है, लोग यहां दर्शन करने जाते हैं। यहां छात्रा का बैग और आई कार्ड पड़ा मिला है। छात्रा शुभम नगर की रहने वाली है और इंदौर के गुरु नानक स्कूल में पढ़ाई करती है। पुलिस के मुताबिक छात्रा ने 3-4 लाइन का नोट भी लिखा है, जिसे पड़रीनाथ TI सतीश पटेल ने जब्त कर जांच में लिया है। मामले में किसी को जानकारी नहीं दी गई है। जहां घटना हुई वह गुरुद्वारा कैमरे से लैस है, यहां सीढ़ियों से लेकर ऊपर हॉल तक कैमरे लगे हैं। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक लड़की सीढ़ियों से ऊपर जाते और गुरुद्वारे के अंदर आते दिख रही है। पुलिस के मुताबिक कैमरों की फुटेज भी मांगी गई है। छात्रा के मोबाइल से उसके मामा सुरेंद्र और नाना का नंबर मिला है। पहले नाना को कॉल किया तो उनका मोबाइल स्विच ऑफ मिला, जिसके बाद सुरेंद्र को कॉल किया। वह एक निजी मोबाइल कंपनी में काम करते हैं। सबसे पहले वह अस्पताल पहुंचे, जहां से छात्रा को मेडिकेयर लेकर चले गए। बाद में यहां से चोइथराम अस्पताल भेजा गया। लड़की के मामा सुरेंद्र ने उसके कूदने की बात से इनकार किया है। उनके मुताबिक बच्ची का पैर फिसला है। छात्रा मूल रूप से महाराष्ट्र के मलकापुर की रहने वाली है। इंदौर में वह मामा सुरेंद्र के साथ शुभम नगर में रहती है। परिवार में बड़ा भाई है जो मलकापुर में रहता है। मामा के मुताबिक गुरुद्वारे से स्कूल करीब 5 किलोमीटर दूर है। स्टूडेंट 12th क्लास की स्टूडेंट है और ये अपने नाना नानी के पास रहती थी और अभी चोइथराम हॉस्पिटल में जो है हमारी सब इंस्पेक्टर वहाँ पर जाँच करने गई हैं, वो जानकारी वहाँ से जुटा रही हैं। अभी वो होश में नहीं है, बात करने की स्थिति में नहीं है, तो उनसे जब बयान उनके होंगे तो और जानकारी सामने।